थे, जहां पर कमरे में मिले तीन लोगों के अजले शव। एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या कर जलाए जाने का शक। मामला दर्ज कर जांच में जुटी है पुलिस। थाना इत्माउद्दौला के गुलाबनगर की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आगरा से, जहां पर कमरे में मिले तीन लोगों के अधजले शव। हत्या कर शव को जलाए जाने का शक जताया जा रहा है। मामला दर्ज कर जांच में जुटी है पुलिस। थाना इत्माउद्दौला के गुलाबनगर की एक घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आगरा से, जहां पर कमरे में तीन लोगों के अधजले शव मिले हैं। एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या कर जलाए गए शव। मामला दर्ज कर जांच में जुटी है पुलिस। थाना इत्माउद्दौला के गुलाबनगर की एक घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आगरा से, जहां पर कमरे में मिले तीन लोगों के अधजले शव। एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या कर जलाए गए हैं शव। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, आगरा में मिले तीन लोगों के अधजले शव। एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या कर जलाए गए हैं शव। मामला दर्ज कर जांच में जुटी है पुलिस। एक ही परिवार के तीन लोगों के हत्या कर जलाए गए शव। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अजेंद्र चौहान हमसे जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, एक ही परिवार के तीन लोगों के अधजले शव मिले हैं, क्या कुछ जानकारी अभी तक मिल पाई है कि इनकी हत्या किसने की? देखिए, बड़ी घटना को आगरा में अंजाम दिया गया है, जहां थाना इत्माउद्दौला इलाके के बंगला किशन लाल की यह घटना है। एक परिवार में उनमें पिता, पुत्र और माँ जो रहती थी, तीन, एक महिला सहित तीन लोगों की जलाकर हत्या, जला पहले मारा गया, उसके बाद उनको सबको जलाने के लिए जलाया गया। लेकिन अधजले शव यहाँ जब सुबह जो क्षेत्रीय लोगों को सूचना हुई, मौके पर पुलिस के अधिकारी पहुंचे। बड़ी घटना है आगरा में, आगरा जोन के एडीजी अजय आनंद और आईजी के साथ साथ एसएसपी आगरा सहित तमाम आला अधिकारी मौके पर हैं। अभी तक अनुमान लगाया जा रहा है कि रंजीतन इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस आईडीजी अजय आनंद का कहना है कि जल्द से जल्द इस घटना का अनावरण किया जाएगा। कुछ से तथ्य है जो मिले हैं, उसी के चलते जाँच की जा रही है। जाँच के बाद ही घटना का खुलासा होगा। जी अजेंद्र, परिवार के क्या कुछ और लोग आए हैं, उनका कुछ कहना है इस पर? क्या उन्होंने कोई पुरानी रंजिश का जिक्र किया है? हाँ, जिस तरह से पड़ोस में रहने वाले इनके सभी भाई हैं, वो पास में रहते हैं, उनका कहना था कि देर रात तक कल हम मिलकर गए थे, तब तक कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन जिस तरह से आज सुबह तड़के घटना को अंजाम दिया गया है, कहीं ना कहीं रंजिश होने की बात आ रही है। लेकिन रंजिश किससे है, इस बात को अभी इनकार कर रहे हैं। पुलिस लगातार इस पूरे मामले में जुटी है। पुलिस के आला अधिकारी मामले में जांच कर रहे हैं और जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा करने की बात कर रहे हैं। जी अजेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर आपको आगरा से बता रहे हैं, जहां पर एक ही परिवार को तीन लोगों की हत्या करके शव को जला दिया गया, जलाने का प्रयास किया गया। पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। हालांकि कुछ परिजनों का यह भी कहना है कि ऐसी कोई पुरानी रंजिश नहीं थी। फिलहाल मामला दर्ज कर जांच में जुटी है पुलिस। थाना इत्माउद्दौला गुलाबनगर की यह घटना बताई जा रही है। अगली बड़ी खबर, उत्तर